देखो चैप्टर फाइव कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर टू किए थे कैपिटल मार्केट, चैप्टर थ्री किए थे मनी मार्केट, चैप्टर फोर किए थे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, और आज पढ़ेंगे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये पूरा फाइनेंस मार्केट को रेगुलेट जो लोग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सर चैप्टर वन क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि चैप्टर वन आपको यही बताता है कि बाकी चार चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, तो उसका हम आपको एक जिस्ट बाद में दे देगा। तो देखो चैप्टर फाइव किन के बारे में बात करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करता है। सी एल बी का फुल फॉर्म क्या है? कंपनी लॉ बोर्ड, तो कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में बात करता है। आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सब डिपार्टमेंट को रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। यानी इंडिया में जो भी फाइनेंस मार्केट है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, नॉन बैंक एनबीएफसीज, ये सबको कंट्रोल कौन करते हैं अल्टीमेटली? ये इंस्टीट्यूशंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट। कंपनी लॉ बोर्ड, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एक अलग से बोर्ड बना के रखा है कंपनी लॉ के नाम से, वो कंपनी का सारा मैटर हैंडल करता है। आरबीआई, सेबी, इनके बारे में तो पता ही है। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये देश में जो भी इकोनॉमिकली रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको हैंडल करता है। तो हम लोग एक एक करके इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, तीन पेज का छोटा सा चैप्टर है। पहला इंस्टीट्यूशन का नाम जो हम लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, आरबीआई। आरबीआई कौन है? सेंट्रल एंड एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है, इसको एपेक्स बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1935 में। इसका मेन काम क्या है? कंट्रोल, सुपरवाइज, प्रमोट, डेवलप एंड प्लान फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखो कितना कुछ कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है मतलब कोई भी गलती हो रहा है उस पर एक्शन ले रहा है। सुपरवाइज मतलब नज़र रख रहा है। प्रमोट मतलब मार्केट को डेवलप करने में भी हेल्प कर रहे हैं, और प्लान फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप का प्लानिंग भी बनाते हैं। एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर, तो फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग स्ट्रक्चर दोनों को कंट्रोल, सुपरवाइज, प्रमोट और डेवलप करता है। कौन? आरबीआई। आरबीआई का मेन ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? चार मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया में, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, यहाँ पर चार लोगों का हेड ऑफिस सेटअप किया हुआ है। यहाँ से पूरा इंडिया का फाइनेंस मार्केट को कंट्रोल करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो डेफिनेशन में है वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, फॉरेन करेंसी रिजर्व को अपने पास स्टोर करके रखना, क्रेडिट कंट्रोल करना, करेंसी इशू करना, ऑटोनोमस कंट्रोल ऑन मनी मार्केट। मनी मार्केट को और कैपिटल मार्केट को इंडिपेंडेंट छोड़ के रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल भी कर लेता है, और असिस्ट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है प्लानिंग वगैरह करने में। तो देखो आरबीआई का फंक्शंस क्या क्या है? इशू करेंसी नोट्स, ये इशू डिपार्टमेंट भी और बैंकिंग डिपार्टमेंट भी है। देखो इसमें दो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। इशू करेंसी नोट्स मतलब इंडिया में नोट का सप्लाई कौन करता है? आरबीआई। लेकिन इसके अंडर दो डिपार्टमेंट है, एक इशू डिपार्टमेंट, एक बैंकिंग डिपार्टमेंट। इशू डिपार्टमेंट का काम है नोट छाप के मार्केट में सर्कुलेट करना बैंकों की मदद से, और बैंकिंग डिपार्टमेंट बैंक का जितना भी अकाउंट है वो आरबीआई मेंटेन करता है। हर बैंक का आरबीआई में भी एक अकाउंट खोल के रखा हुआ है, तो वो मेंटेन करते हैं। सर्व एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सारा फंड कौन मैनेज करता है? आरबीआई। सारे गवर्नमेंट्स का अकाउंट कहाँ पे खोला हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बंगाल गवर्नमेंट हो, आसाम गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, इन लोगों का अकाउंट कहाँ खोला हुआ है? आरबीआई में। तो ये गवर्नमेंट का बैंक है, जैसे तुम्हारा मेरे लिए एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, वैसे गवर्नमेंट के लिए आरबीआई है। मॉनेटरी रेगुलेशन मैनेजमेंट, इंडिया में पैसा का लेन देन को रेगुलेट और मैनेज करने का काम करता है आरबीआई। एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑल्सो, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज कौन करके देता है? आरबीआई। उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पब्लिकेशन, ये एक बहुत अलग सा काम है आरबीआई का। इंडिया में जो भी फाइनेंस और मॉनेटरी मार्केट में लेन देन होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है सारा डेटा को कलेक्ट करना और उनके ऊपर बुक पब्लिश करना, सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी देना प्लस पब्लिक को भी देना,
बुक पब्लिश करके। तो जब तुम लोग देखते हो ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट घट गया, क्यों घटा क्यों बढ़ा, इसके ऊपर पूरा एक सर्कुलर आता है आरबीआई का, तो वो सब इन बुक में पब्लिश करना। डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन ऑफ बैंक, बैंकिंग स्ट्रक्चर को इंडिया में प्रमोट करना, डेवलप करना, जहाँ जहाँ बैंक नहीं है वहाँ वहाँ बैंक खोलने में मदद करना, बैकवर्ड एरियाज में बैंकिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये भी काम आरबीआई देखते हैं। फाइनेंस पॉलिसी टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एंड अदर सेक्टर, इंडिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को फाइनेंस कौन, मतलब क्या प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंस को लेके, वो कौन बताता है, आरबीआई, क्योंकि सर्वे करके पूरा डेटा यही कलेक्ट करता है, तो उन लोगों का मदद भी यही लोग करते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंस, तुमको अगर फॉरेन में माल बेचना है या ख़रीदना है और वहाँ पैसा का अरेंजमेंट चाहिए तो वो आरबीआई के थ्रू ही होता है, तुम्हारा बैंक आरबीआई को रिक्वेस्ट करता है, आरबीआई वहाँ के बैंक को रिक्वेस्ट करता है। बैंकर्स बैंक, सारे बैंक वालों के अकाउंट कहाँ खोला हुआ है, आरबीआई में। तुमको हमको लोन देने के लिए अगर एसबीआई और आईसीआईसीआई है तो एसबीआई और आईसीआईसीआई को कौन लोन देता है, आरबीआई। तो जैसे अपने बैंक का आईसीआईसीआई और ये सब आईसीआईसीआई वगैरह का बैंक कौन है, आरबीआई। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्रेडिट कंट्रोल। देखो अभी एक फंक्शन में पढ़े भी थे कि आरबीआई का काम है क्रेडिट को कंट्रोल करना इंडिया में। देखो दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट क्रिएट कौन करता है, कमर्शियल बैंक। कैसे करता है, तुम जो डिपॉजिट करते हो उसका सर्टेन अमाउंट अपने पास रख के बाकी लोन दे देते हैं, फिर वो अमाउंट किसी और तरीके से दूसरे बैंक में पहुँचते हैं, वो बैंक भी एक सर्टेन परसेंटेज काट के बाकी किसी और को लोन दे देते हैं। ये ऐसे करके मनी मार्केट में घूमता रहता है, यानी क्रेडिट क्रिएट होता है। कौन करता है ये, कमर्शियल बैंक, एसबीआई आईसीआईसीआई ये लोग। ये क्रेडिट एक इनको ज्वाइन हुआ करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है मार्केट में, लोगों को उधार दे दे के क्रेडिट को क्रिएट करवाता है, मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इस काम को। लेकिन कितना लोन क्रिएट किया जा सकता है बाजार में, कब बहुत ज़्यादा लोन क्रिएट करना अलाउ हो सकता है, कब लोन क्रिएट करना कम अलाउ हो सकता है, ये कौन नज़र रखेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक का ये काम है क्रेडिट को कंट्रोल करना, कभी जब उसको लगेगा कि मार्केट में उधार बहुत कम हो के रखा है तो वो बोलेगा बैंकों को और उधार दो। सर एक बार जनी को अलाउ कीजिए, वो आ रही है। एक मिनट, जब आरबीआई को लगेगा कि बाजार में बहुत ज़्यादा उधार हो के रखा है, वो अपना सिस्टम बनाएगा ऐसा कि क्रेडिट को कम किया जा सके। जब आरबीआई को लगेगा कि बाजार में उधार बहुत कम है बढ़ाना चाहिए, तो वो अपने सिस्टम को ऐसे बनाएगा कि और उधार दिया जा सके बैंकों के द्वारा पब्लिक को, फ्रॉम बैंक्स टू पब्लिक। तो ये क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करता कैसे, तो आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, रोल ऑफ आरबीआई इन क्रेडिट कंट्रोल, मेथड टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ बैंक एडवांस। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब यही है, वो तरीका वो मेथड जिससे आरबीआई बैंकों का एडवांस को रेगुलेट कर सके, बैंक कितना एडवांस देगा और कितना एडवांस नहीं देगा। इसके लिए दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। ये आप लोग पढ़े हो 12 में जब बैंकिंग चैप्टर पढ़े थे, मनी एंड बैंकिंग, वहाँ पे पढ़े हो आप अच्छे से। हालांकि हम बढ़िया से बताते हुए चलेगा आपको पूरा यहाँ पे, इसीलिए देखो हम कुछ कुछ में ना बढ़िया से डिटेल लिख भी दिया है, दो दो चार चार लाइन में। तो दो अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में वो रेट्स परसेंटेज इनको अप डाउन करके खेलता है आरबीआई, और क्वालिटेटिव अप्रोच में मीटिंग्स, मेंटल प्रेशर, अलग अलग वे का कुछ ऐसा करना है कि बैंक लोन दे ही नहीं पाए, ये सब प्लानिंग से खेलता है। तो आते हैं पहले क्वांटिटेटिव अप्रोच पे। पहला ही पॉइंट है इसमें बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। बैंक रेट इज दैट रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक। अब हमको एक बात बोलो, मान लो अभी 8% इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को लोन दे रहे हैं, आरबीआई को लगा कि बाजार में बहुत कम लोन है, लोन बढ़ना चाहिए, आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को कम करेगा कि बढ़ाएगा, कम करेगा, आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा। अभी तक 8% रेट पे बैंक को लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई, अब आरबीआई बोलेगा 6% पे लोन ले लो या 5% पे लोन ले लो, मतलब आरबीआई क्या किया, बैंक रेट रिड्यूस कर दिया।
अब जैसे ही आरबीआई बैंक रेट रिड्यूस करेगा, बैंक ज़्यादा लोन लेंगे, बैंक ज़्यादा लोन लेंगे तो आगे भी वो ज़्यादा लोन देंगे, और इस बैंक रेट के थ्रू ही ये भी डिसाइड होता है कि तुमको किस रेट पे लोन मिलेगा। अगर आरबीआई बैंक रेट कम करके रखेगा, तुमको भी कम रेट पे लोन मिल जाएगा, तो तुम भी एज अ पब्लिक लोन लेने को तैयार हो जाओगे। यानी आरबीआई चाहता था कि लोन बढ़े, देखो लोन बढ़ गया। आरबीआई को लग रहा बाजार में बहुत ज़्यादा लोन हो रहा है, लोन को रोकना चाहिए, आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा, 8 की जगह 10% कर देगा। अब जैसे ही 10% किया, बैंक आरबीआई से कम लोन लेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमको पब्लिक को महंगा रेट पे लोन देना पड़ेगा और पब्लिक लेगा नहीं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक भी कम ही लोन लेगा। तो आरबीआई तो यही चाहता था कि बाजार में उधार कम क्रिएट हो। तो रेट एट विच आरबीआई ग्रांट लोन टू बैंक, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रेट ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल इन द मार्केट, ऑल अदर रेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द बैंक रेट। बैंक रेट के ऊपर ही बाकी सारी रेट्स भी चेंजेस होती है। तो आरबीआई को जब लोन बढ़ाना हो, वो बैंक रेट को कम कर देगा। आरबीआई को जब क्रेडिट क्रिएशन कम करना हो, वो बैंक रेट को बढ़ा देगा। तो पहला तरीका था बैंक रेट। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। देखो याद है एक डॉक्यूमेंट पढ़े थे, ट्रेजरी बिल। हाँ सर। क्या था सर? गवर्नमेंट को जब फंड का दरकार पड़ेगा, तब वो कमर्शियल बैंक के थ्रू वो इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा फंड रेस करने के लिए। एकदम। तो जब आरबीआई बैंकों को बोलेगा कि आओ और मेरे से ये डॉक्यूमेंट खरीदो, तो यानी बैंक अपना पैसा आरबीआई को देगा और ये डॉक्यूमेंट्स खरीदेगा, ट्रेजरी बिल हो गया या अदर कोई भी ऐसा और डॉक्यूमेंट। तो जब कमर्शियल बैंक, मान लो तुम एसबीआई चलाते हो या तुम आईसीआईसीआई बैंक चलाते हो, तुम अगर ये डॉक्यूमेंट आरबीआई से खरीद लोगे तो तुम्हारे पास फंड कम बचेगा, क्योंकि तुम अपना फंड आरबीआई को दे दिए। तुम्हारे पास फंड कम बचेगा तो तुम कम लोन दे पाओगे। तो आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में इशू करता है ताकि लोन को कम किया जा सके। अब आरबीआई को लग रहा बाजार में लोन कम हो गया, वो उल्टा ऑफर करेगा, तुम्हारे पास अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स है तो हमको वापस बेच दो, हम अच्छा खासा प्राइस पे खरीदेंगे, अच्छा खासा प्रीमियम पे खरीदेंगे। तो बैंक देखेगा अरे अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, चलो डॉक्यूमेंट वापस आरबीआई को दे देते हैं। जो डॉक्यूमेंट आरबीआई को देगा और फंड मिल जाएगा, उसको फंड मिल जाएगा तो बैंक क्या करेगा उस फंड का, आगे लोन देगा। तो आरबीआई चाहता था कि बाजार में लोन बढ़े, तो वो ओपन मार्केट से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को वापस परचेज कर लेगा। तो जब आरबीआई को लगा कि लोन कम है, लोन बढ़ाना चाहिए, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को वापस बायबैक कर लेगा। और जब आरबीआई को लग रहा है लोन बाजार में बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कम करना चाहिए, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में इशू करवा देगा। तो देखो यहाँ क्या लिखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई आरबीआई टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बैंक विल सेल सिक्योरिटीज एंड ड्यूरिंग डिप्रेशन बैंक विल परचेज। जब डिप्रेशन है तो मार्केट में लोन क्रिएट करवाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स को वापस खरीद लेगा। जब बाजार में बहुत इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो वो क्रेडिट को कम करना चाहेगा, तो क्या करेगा, इन इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में इशू कर देगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक बहुत बढ़िया तरीका है क्रेडिट को कंट्रोल करना या बढ़ाने के लिए। तीसरा तरीका है सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है सर? कमर्शियल बैंक, हाँ बोलो। कमर्शियल बैंक कुछ रेशियो में वो आरबीआई के पास अपना पैसा मतलब डिपॉजिट रखेगा। एकदम। सारा दिन में जितना टोटल डिपॉजिट आया उसका सर्टेन अमाउंट तुमको आरबीआई में जमा करना पड़ता है। तुम्हारे पास जो टोटल डिपॉजिट आया उसका सर्टेन परसेंटेज तुमको आरबीआई में जमा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। दूसरा रेट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर्टेन अमाउंट तुमको भी अपने पास जमा रखना पड़ता है एज अ बैंक टोटल डिपॉजिट का। तो टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज तुम आरबीआई में जमा कर देते हो, सर्टेन परसेंटेज तुम अपने पास रख लेते हो, बाद बाकी पैसा तुम लोन में दे सकते हो। तो जो तुम अपने पास रखते हो उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और जो तुम आरबीआई में जमा कर देते हो उसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो।
जब आरबीआई को लगेगा कि बाजार में लोन बहुत ज्यादा हो गए, वो सीआरआर और एसएलआर का रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा अमाउंट तुमको डिपॉजिट करना पड़े, तुम कम लोन दे सको। मान लो अभी 10% सीआरआर एसएलआर मिलाकर है, एसबीआई आरबीआई बोला 15% रखना पड़ेगा, तो जब 10% था, 1 लाख अगर पूरे दिन में डिपॉजिट आया तो तुमको 10,000 जमा रखना पड़ेगा, 90,000 तुम लोन दे सकते हो। लेकिन जैसे सीआरआर एसएलआर का रेट 15% हो गया, अब तुमको 85,000 लोन दे सकते हो, 15,000 जमा रखना पड़ेगा 1 लाख का। तो देखो पहले 90,000 लोन दे सकते थे, अब 85 भी दे पाओगे। तो सीआरआर एसएलआर का रेट बढ़ा दिया आरबीआई, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया। और रिवर्स कर दो, जब आरबीआई को लगेगा कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है, बोलेगा 5% डिपॉजिट रखो, बाकी लोन दे सकते हो। तब तुम 1 लाख का 5% यानी 5,000 डिपॉजिट रखोगे, बाकी 95,000 लोन दे पाओगे। तो देखो लोन बढ़ गया। तो सीआरआर एसएलआर बढ़ाकर क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, सीआरआर एसएलआर घटाकर क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अप्रोच का नाम है क्वालिटेटिव अप्रोच। इसमें लेकिन एक्चुअली में दो और बच गया, हमको दो तरीका और पढ़ाना चाहिए था, हम नोट्स में नहीं दिए लेकिन हम बता देते हैं। सीआरआर एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट, इनके अलावा एक और भी तरीका है जिसको बोलते हैं रेपो रेट, रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो रेट किसको बोलते हैं, याद है, किसी को याद है रेपो रेट किसको बोलते हैं? पेट में आ रहा, मुंह में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, और जिस रेट पे बैंक आरबीआई को लोन देता है या बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट रखता है और बोलता है हमको ब्याज दो, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मतलब बैलेंस पे रखते, बैलेंस में रखने के लिए। रेपो मतलब हो गया कि बैंक आरबीआई से पैसा उठाए और बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाएगा, और रिवर्स रेपो उल्टा हो गया, बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट रखा है और वो लोग आरबीआई से इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, मतलब इंटरेस्ट कमाएगा। तो रेपो रेट को मतलब अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ा दे तो बैंक कम लोन लेगा, बैंक कम लोन लेगा तो बैंक आगे क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगा, और रेपो रेट को आरबीआई अगर कम कर दे तो बैंक ज़्यादा लोन ले पाएगा, बैंक ज़्यादा लोन लेगा तो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा। अब रिवर्स रेपो में उल्टा रूल लगा दो, अगर आरबीआई अचानक लालच दे मेरे पास पैसा डिपॉजिट करो, तुम लोगों को 10% ब्याज देंगे, तो बैंक क्या करेगा, पब्लिक को लोन नहीं दे के पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कर देगा ना, क्योंकि 10% ब्याज बहुत होता है बैंकों के लिए। तो बैंक आरबीआई में नहीं, पब्लिक को पैसा नहीं दे के आरबीआई में जमा कर दिया, और आरबीआई यही तो चाहता था कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो, तो रिवर्स रेपो को बढ़ा के वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर, रिवर्स रेपो को बढ़ा के वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर दिया, और अगर उल्टा चाहे तो रिवर्स रेपो को कम कर दे, बोले मेरे पास डिपॉजिट रखोगे हम केवल 2% ब्याज देंगे, तो बैंक आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करेगा क्या? आरबीआई बैंकों को बोल रहा है मेरे पास पैसा डिपॉजिट करोगे हम 2% ब्याज देंगे खाली, मतलब 2% इंटरेस्ट का कमाई, बोलेगा हम बैंक में क्यों, बैंक बोलेगा हम आरबीआई को पैसा क्यों दे, हम तो पब्लिक को ही दे दे, वहां से ज्यादा कमाई होगा मेरा, तो फिर बैंक क्या करेगा, आरबीआई में जमा नहीं करेगा, पब्लिक को ज्यादा देगा। तो आरबीआई तो यही चाहता था, तो वो रिवर्स रेपो को कम कर दिया ताकि मार्केट में लोन बढ़े। तो ये था एक और पॉइंट, रिवर्स रेपो एंड रेपो। अब आते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच पे। क्वालिटेटिव अप्रोच में देखो 4-5 तो लिखा हुआ है मेरा पॉइंट। पहला नंबर है वेराइंग मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन बैंक। तुम अगर बैंक से कोई लोन लेने जाते हो, अगर मान लो हम 40 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं, क्या बैंक हमको पूरा 40 लाख लोन दे देगा? नहीं, नहीं देगा, बोलेगा सर्टेन मार्जिन तुमको देना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कार लेते हो या क्या बोलते हैं टीवी ईएमआई पे लेते हो, तो पूरा टीवी ईएमआई पे आ जाता है क्या, या तुमको डाउन पेमेंट देना पड़ता है? डाउन पेमेंट देना पड़ता है। आज जैसे कोई एक बाइक खरीद रहा है 1-1.5 लाख का, तो बैंक उसको बोलेगा ना कि 50,000 आप दो, बाकी 1 लाख ईएमआई पे हो जाएगा। हाँ,
तो यानी तुमको मार्जिन मनी देना पड़ता है। तो आरबीआई को जब लगेगा कि लोन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आरबीआई मार्जिन मनी का परसेंटेज बढ़ा देगा। मतलब जैसे अगर 1 लाख का बाइक ले रहे हैं, मान लो अभी मार्जिन मनी 10% है, तो 1 लाख का अगर हम बाइक ले रहे हैं तो 10,000 हमको अपनी जेब से देना पड़ेगा, बाकी 90,000 लोन पे हो जाएगा। अगर 10% मार्जिन मनी है और हम 1 लाख का बाइक खरीद रहे हैं तो 10% हमको देना पड़ेगा मार्जिन मनी में 10,000, बाकी 90,000 ईएमआई पे हो जाएगा लोन पे। लेकिन आरबीआई को लगा कि अरे बहुत ज़्यादा लोन क्रिएट हो रहे हैं, आरबीआई बोलेगा 30% मार्जिन मनी रखो, बाकी लोन मिलेगा। तो अब तुमको कितना देना पड़ेगा 1 लाख का बाइक के लिए अपनी जेब से पहले? 30,000। 1 लाख का 30% तुमको 30,000 अपनी जेब से देना पड़ेगा, बाकी 70,000 लोन हो सकता है। तो देखो पहले कितना लोन हो पा रहा था? 90,000। अब कितना लोन हो पाएगा? 70,000। 70,000 तो लोन कम हो गया कि नहीं हो गया? यही तो आरबीआई चाहता था कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाए, तो वो क्या किया, मार्जिन मनी का परसेंटेज बढ़ा दिया। और जब आरबीआई को लगता है कि लोन बहुत कम हो रहा है, लोन होना चाहिए, वो क्या करेगा, मार्जिन मनी का परसेंटेज कम कर देगा, बोलेगा जाओ जीरो जीरो मार्जिन मनी, मतलब पूरा लाख का गाड़ी लोन पे ले लो। तो लोन बढ़ गया ना, अब 1 लाख लोन ले रहा है पब्लिक। तो मार्जिन मनी को भी कम बेसी करके क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा तरीका है कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। ये नॉर्मल ज्ञान है, बहुत सारा रूल रेगुलेशन बना देगा आरबीआई, हर बैंक को बोलेगा ये रूल फॉलो करो तो लोन देना, वो रूल फॉलो होगा तो लोन देना, इतना रूल आ जाएगा तो लोन ज़्यादा दे नहीं पाएगा बैंक। तीसरा तरीका है क्रेडिट रेशियोनिंग। ये मज़ेदार चीज़ है, एक बैंक कितना कितना चीज़ के लिए लोन देता है, 4-5 तो आइटम बोलो जिसके लिए तुम बैंक से लोन ले सकते हो। Home, 4-5 तो एग्जांपल बोलो जिसके लिए तुम बैंक से लोन ले सकते हो। हाउस लोन, हाँ, कार लोन, हाउस लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, गोल्ड लोन, यानी तुम बहुत सारे काम के लिए लोन लेते हो ना। यानी एक बैंक, अगर मान लो बैंक के पास 10 लाख रुपए है, बैंक चाहे, मान लो कोई रूल रेगुलेशन आरबीआई नहीं बनाए, तो बैंक चाहे तो पूरा 10 लाख इस बार होम लोन में दे दे, पूरा 10 लाख चाहे तो कार के लिए लोन दे दे, पूरा 10 लाख चाहे तो एजुकेशन के लिए लोन दे दे, पूरा 10 लाख चाहे तो टीवी फ्रिज ये सब का ईएमआई पे लोन दे दे। लेकिन अगर आरबीआई रेशियो बना दे कि टोटल डिपॉजिट का 20% से ज्यादा कार लोन नहीं दे सकते, टोटल डिपॉजिट का 30% से ज्यादा होम लोन नहीं दे सकते, टोटल डिपॉजिट का कितना 40% से ज़्यादा एजुकेशन लोन नहीं दे सकते, और टोटल डिपॉजिट का 10% से ज़्यादा ये फर्नीचर टीवी फ्रिज ये सब खरीदने के लिए ईएमआई पे लोन नहीं दे सकते। अब बैंक चाहकर भी तो उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा ना। मान लो 10 लाख रुपया डिपॉजिट आया पूरा दिन में, तो हम 10 लाख का 30% होम लोन दे सकते हैं, मतलब सिर्फ 3 ही लाख होम लोन दे पाएगा। 10 लाख का 20% हम कार लोन दे सकते हैं, 2 ही लाख कार के लिए लोन दे पाएगा। 10 लाख का 40% एजुकेशन लोन दे सकते हैं, तो 4 लाख ही पढ़ाई के लिए लोन दे पाएगा। यानी मेरा क्रेडिट पे लिमिट लगा दिया आरबीआई कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इससे ज़्यादा तुम लोन नहीं दे सकते। अब ये तो ज़रूरी नहीं ना पूरा दिन में अलग अलग पर्पस के लिए लोन मानने ही आएगा, ज़रूरी नहीं है ना। अब एक दिन में आदमी आया सिर्फ कार लोन लेने, तुम तो 2 लाख से ज़्यादा दे नहीं पाए, 4-5 लोग आया था कार लोन मांगने, तुम एक ही आदमी को दे पाए। आज होम लोन लेने कोई आया ही नहीं, तो तुम्हारा होम लोन के लिए पैसा निकला ही नहीं। तो आरबीआई चाहता था कि क्रेडिट कंट्रोल हो, वो कर लिया, वो रेशियो में बांट दिया कि टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंटेज किस पर्पस के लिए लोन दे सकते हो, तो इससे भी आरबीआई कंट्रोल कर लिया। और जब ये रेशियो हटा देगा, मतलब वो चाहता है कि क्रेडिट बढ़े मार्केट में। डायरेक्ट एक्शंस, छोटा छोटा गलती पे फाइन पेनल्टीज ये सब लगाना चालू कर देगा आरबीआई। बैंक डर के मारे ही तो लोन नहीं देगा ना, डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी गड़बड़ होगा बैंक तुमको लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक जान रहा है कि डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी गड़बड़ होगा आरबीआई पकड़ लेगा, तो पेनल्टी लगा देगा, इतना पेनल्टी जितना हम इंटरेस्ट में कमाई नहीं करेंगे, तो फायदा क्या ऐसा लोन दे के। तो जब तक डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होगा तब तक लोन देगा ही नहीं। आखिरी तरीका मॉरल सुएशन, मीटिंग्स बुला के सर्कुलर जारी करके प्रेशर क्रिएट करना बैंकों पे, लोन दो लोन दो लोन दो, या फिर उल्टा लोन रोको लोन रोको। मॉरल सुएशन यानी मेंटल प्रेशर बनाना। तो ये सब तरीका है क्वालिटेटिव तरीका, ठीक है सर। इस पे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है।
पवित्र क्या लिख रहे हैं? वॉइस कट रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है चलो, रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन मनी मार्केट, ये नॉर्मल ज्ञान है। जो आरबीआई का मेन काम है वही इंडियन मनी मार्केट में भी काम है उसका। इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ावा देता है। इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में मदद करता है। मनी मार्केट को डेवलप करने में हेल्प करता है। ट्रेजरी बिल वगैरह इशू करता है। कमर्शियल पेपर वगैरह इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में। बैंकों को लाइसेंस देता है। तुम एक बैंक खोलना चाहते हो, तुमको किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा? आरबीआई से। तो ये सब काम इंडिया में आरबीआई करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पे आते हैं जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसको कंट्रोल करता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, हाँ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। कोई इन्वेस्टर का पैसा मार के नहीं भागे, ये काम सेबी देखता है। फेयर डीलिंग प्रमोशन, मार्केट में शेयर का फेयर प्राइस चले, कोई ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाए। डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी शेयर मार्केट में प्लेयर्स हैं, ब्रोकर कंपनीज, NSE, BSE, ये सब के लिए रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है? सेबी। एंड गाइडलाइंस कौन देता है टाइम टू टाइम? सेबी। तो सेबी का ये सब मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका मेन फंक्शन क्या है? बिजनेस मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस मार्केट को रेगुलेट करना। ब्रोकर एजेंट बैंकर अंडरराइटर, इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो भी प्लेयर्स हैं मतलब कंपनीज, इन सब के लिए रूल रेगुलेशन बनाना। म्यूचुअल फंड मार्केट के लिए रूल रेगुलेशन बनाना। फ्रॉड या अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकना। इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना। और कोई भी एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है या एक्वायर कर रहा है, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस को खरीद ले रहे हैं, तो शेयर के थ्रू ही होगा ना, उसका सारा शेयर हम ले लेंगे तो हम उसका बिजनेस को खरीद लिए, तो ये सेबी के थ्रू ही होगा, विदाउट सेबी नहीं हो सकता। टाइम टू टाइम ये जो इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या ये जितने बड़े बड़े ब्रोकर हैं, ये जितने बड़े बड़े मर्चेंट एजेंट्स हैं, बैंक्स हैं, इनका ऑडिट करवाना, इनका इंस्पेक्शंस करवाना, इन पर इंक्वायरी करवाना, ये सब काम भी सेबी करता है। रोल ऑफ सेबी इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? पहली बार जब कंपनी शेयर मार्केट में शेयर बेचता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में सेबी का मेन क्या रोल है? एस्टेब्लिशिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन सिक्योरिटी मार्केट। कोई भी नया कंपनी जब शेयर मार्केट में उतरेगा उसको इतने अच्छे से चेक करना कि कोई इन्वेस्टर का पैसा मार के भागने के लिए तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि नया नया कंपनी जब खुलता है तो कोई बार फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो सेबी का काम है कि नया कंपनी जब भी कोई मार्केट में उतरे शेयर लॉन्च करने, उसका पूरा डिटेल चेकिंग करे। गवर्न ऑल पब्लिक इश्यूज, जो भी IPO आता है, IPO जानते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार शेयर मार्केट में शेयर बेचा है तो उसको बोलते हैं IPO। उसका IPO का इशू प्राइस से लेकर हर एक चीज़ को ठीक से गवर्न करना। फेयर डीलिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बेच रहे हैं, न बहुत ज़्यादा प्राइस ले पाए न बहुत कम प्राइस हो, ये काम कौन देखता है? सेबी। प्रोटेक्ट बोथ इशूअर एंड इन्वेस्टर, जो शेयर मार्केट में शेयर इशू कर रहा है और जो शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहा है, दोनों को प्रोटेक्शन देता है। रेज फंड एट लो कॉस्ट, शेयर मार्केट के कारण ही ये बड़ा बड़ा कंपनीज कम खर्चा करके ज़्यादा फाइनेंस अरेंज कर लेते हैं। प्रॉपर डिटेल डिस्क्लोजर्स, हर कंपनी हर एक बात प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, ये काम सेबी का देखना है। बेटर प्राइस डिस्कवरी, हर एक प्राइस तुरंत तुरंत जो हम लोग को पता चल जाता है, अभी रिलायंस का भाव कितना, हम लोग तुरंत चेक कर सकते हैं, किसके कारण? सेबी के कारण। तो ये काम है सेबी का। रोल ऑफ सेबी इन सेकेंडरी मार्केट, आखिरी पेज पे, रेगुलेट इंटरमीडियरीज, बैंकर अंडरराइटर ब्रोकर, इनको रेगुलेट करता है। क्वालिटी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, ये चेक करता है कि जो सही कंपनी है वही शेयर मार्केट में रजिस्टर रहे, जो फालतू कंपनी है सिर्फ पैसा घुमाने के लिए शेयर मार्केट में खुद को रजिस्टर किया है, उसको तुरंत बाहर करो। प्रोहिबिट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई भी आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाए। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? कंपनी के अंदर का आदमी कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा ले, जो कि जनरल पब्लिक को पता ही नहीं था वो खबर, क्योंकि हम कंपनी के अंदर का आदमी था, हमको वो खबर पहले मिल गया और इसको यूज़ करके हम बहुत प्रॉफिट कमा लिए। ये काम सेबी अगर पकड़ता है तो अच्छा खासा पेनल्टी है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये जितने भी बड़ी बड़ी ब्रोकर हैं, जितने भी बड़े बड़े सब ब्रोकर हैं, ये सब ठीक से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि नहीं, ये काम सेबी देखता है।
डिस्करेज मैन्युपुलेशन, प्रिवेंट प्राइस रिगिंग. प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, कोई को पता है? प्राइस रिगिंग, RIGING, कोई को आइडिया? नहीं. प्राइस रिगिंग का मतलब होता है जबरदस्ती, फॉल्सफुली शेयर का प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे लेके चला जाना. हम कंपनी का अंदर का आदमी है, हमको शेयर का प्राइस बहुत ऊपर भगवाना था, हम जानबूझ के मार्केट में एक ऐसा खबर दे दिए जो प्योर झूठा खबर था. हम अगर कल सुबह ही, हम मान लो रिलायंस का आदमी है और हम कल सुबह ही ये खबर दें कि रिलायंस फॉरेन की एक कंपनी के साथ 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, ये बात सुनते रिलायंस का शेयर ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा? 50,000 करोड़ का डील करने जा रहा है रिलायंस, हाई रॉकेट भागेगा सुबह उठते ही एकदम. और ये न्यूज़ फॉल्स था, हम तो खाली प्राइस को ऊपर भगवाना चाहता था ताकि ऊपर भाग जाए और हम अपना शेयर बेच के निकल जाए. प्राइस ऊपर भागा, हम, मेरे पास 100,000 शेयर था, हम बेच के निकल गया. जानबूझ के ऐसा कोई खबर दिए कि शेयर का प्राइस गिरे ताकि हम खरीद लें नीचे जाने से. तो प्राइस रिगिंग मतलब जानबूझ के फॉल्सफुली न्यूज़ के साथ प्राइस को मैनिपुलेट करवाना, इसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग. ये कौन पकड़ता है और कौन कंट्रोल करता है, कौन रोकता है? सेबी, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, ये तो ठीक ही बात है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सेटअप करता है, ऐसा एजेंसीज क्रिएट करता है सेबी जो टाइम टू टाइम शेयर मार्केट में जितना कंपनी लिस्टेड है उनको रेटिंग दे ताकि पब्लिक को पता चले कौन ज़्यादा रिस्की कंपनी है और कौन लेस रिस्की कंपनी है. इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इंडिया में आज की डेट में सब जगह ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, तुम अपने मोबाइल से शेयर मार्केट में ओपन करके काम कर सकते हो, ये कौन करके दिया है? सेबी. इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, डीपी सिस्टम लेके आया डीमेट अकाउंट के लिए ताकि कोई भी फ्रॉड नहीं हो, तुम्हारे अकाउंट में ठीक से शेयर घुसे. जैसे तुम्हारा बैंक अकाउंट है वैसे ही डीमेट अकाउंट है, जैसे बैंक में ठीक से पैसा घुसता है और निकलता है बिना तुम्हारे परमिशन के, ना घुसेगा ना निकलेगा, वैसे ही डीमेट अकाउंट है. बिना तुम्हारे परमिशन के कोई शेयर खरीद नहीं सकता तुम्हारे अकाउंट से, न कोई शेयर बेच सकते हैं. और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, रेगुलेट बाईबैक ऑफ शेयर्स. बाईबैक क्या होता है, आइडिया है बाईबैक किसको बोलते हैं? सर बोले, बोलो. एक शेयर को मतलब दोबारा खरीदना? नहीं नहीं, वापस से खरीदना. कंपनी अपना शेयर जब वापस खरीदता है, खुद खरीदता है. हाँ. कंपनी को लगा इस साल बहुत प्रॉफिट हुआ, हम क्यों पब्लिक का पैसा पे बिजनेस करें? हम पब्लिक को ऑफर किया, मार्केट में मेरे शेयर का दाम 120 है, हम 250 रुपये में खरीदने को तैयार है. मतलब हम अपना ही शेयर बाईबैक कर रहे हैं, कंपनी पब्लिक को पैसा लौटाया, शेयर वापस ले लिया, अब मेरा अपना कंट्रोल रहेगा बिजनेस के ऊपर, इसको बोलते हैं बाईबैक. तो ये बाईबैक का जो भी रूल रेगुलेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? सेबी. और सेटलमेंट सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी, तुम्हारे अकाउंट से शेयर निकलेगा, मान लो हम शेयर बेचा, पवित्रो खरीदा, मेरे अकाउंट से शेयर निकला और पवित्रो के अकाउंट में घुसा, या पवित्रो के अकाउंट से निकला स्वप्निल के अकाउंट में घुसा, ये एकदम ठीक से हो, प्रॉपरली सेटल हो ये सारे अकाउंट, ये सेबी का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इस पे नज़र रखते हैं. तो ये सब काम सेबी सेकेंडरी मार्केट के लिए करते हैं, यानी जहाँ पर नॉर्मली शेयर का परचेज सेल होता है पब्लिक टू पब्लिक, और प्राइमरी मार्केट हो गया कंपनी टू पब्लिक. तो इन दोनों मार्केट को सेबी कैसे कंट्रोल करता है ये पढ़े. तो दो ही इंपॉर्टेंट